क्या आप भी एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं और लेकिन आपको मोबाइल पता नहीं चल रहा है कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है, और आपने बहुत सारे दोस्तों को भी देखे होंगे जब उनके साथ आप जाते होंगे मोबाइल ख़रीदने के लिए, तो उसको दुकानदार ऐसा फंसाता है कि वह बाद में मोबाइल लेने से पहले कुछ जानकारी नहीं प्राप्त करता। जब मोबाइल लेकर के घर में आता है तो वह पछताता ही रहता है कि मुझे ये मोबाइल लेना चाहिए, मुझे लिए ये फ़ोन बेस्ट रहता। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि मेरे लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा रहने वाला है, और आपने बहुत सारे YouTube में वीडियो भी देखे होंगे कि बेस्ट मोबाइल कौन सा है। तो आपने सही चैनल सही वीडियो पर आए हुए हैं कि आप इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि आप अपने लिए एक बेस्ट फ़ोन का कैसे खरीद सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर देखना चाहिए। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या फीचर देखना चाहिए, और फिर बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एंड्रॉयड या iOS कैसा होना चाहिए, प्रोसेसर क्या होना चाहिए, रैम कैसा रहना चाहिए, स्टोरेज कौन सा होना चाहिए, डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, कैमरा का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, बैटरी क्वालिटी कितना होना चाहिए, चार्जिंग इसका स्पीड कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये सब फीचर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लगे रहें, और मैं इस तरह का वीडियो को हमेशा लाता रहता हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आपने अपने लिए बेस्ट मोबाइल फ़ोन का सही का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने लिए कैसे सकते हैं। सो सबसे पहले यदि आपका बजट के अनुसार देखा जाता है कि आप अपने लिए कितना बजट रखते हैं, यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है iOS फ़ोन, यदि उतना आपका बजट नहीं है तो आपके लिए रहने वाला है एंड्रॉयड। लेकिन एंड्रॉयड और iOS में भी इसमें भी कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कौन सा लेना चाहिए, लेकिन बजट के अनुसार थे दोस्तों, यदि आपका बजट अच्छा है तो आप iOS पे जा सकते हैं। बजट में आपको बेहतरीन फीचर भी देखने को मिलते हैं और इसको टाइट सिक्योरिटी भी मिलते हैं, जबकि एंड्रॉयड में उतना फीचर तो मिलते हैं बेहतरीन, लेकिन उसमें टाइट आपको सिक्योरिटी नहीं मिलते एंड्रॉयड। लेकिन आप जितना बजट है आप उतने ही पर भी आप उसमें कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन लेते समय हम लोग नेक्स्ट फीचर पर ध्यान देना चाहिए कि उसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका प्रोसेसर लेटेस्ट वर्जन का होना ज़रूरी है, यदि किसी प्रकार का या फ़ोन को आप जब भी खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया सा, तो उसका लेटेस्ट प्रोसेसर देख के ही लेना चाहिए। अभी चल रहा है 888 जनरेशन का, यदि आपका प्रोसेसर बेस्ट रहेगा तो आपका फ़ोन भी स्मूथली चलेगा। बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन नहीं खरीद करके ओल्ड वर्जन में स्मार्ट ड्रैगन खरीदते हैं, जो कि उनका फ़ोन बाद में हैंग करने लगता है, क्योंकि समय के साथ हमारा प्रोसेसर कभी भी और एप्स का भी नया नया निर्माण होते जा रहा है और बनते ही जा रहा है, इसलिए हम लोग खास पर ध्यान देना चाहिए कि स्मार्ट ड्रैगन उसका लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट फीचर हम लोग को देखना चाहिए कि रैम। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स में मोबाइल में बैकग्राउंड ऐप्स रिमूव करते यानी घूमते रहते हैं चलते रहते हैं, सो यदि आप भी बहुत सारे ऐप्स एक साथ से यूज करते हैं तो आपका रैम एक अच्छी होना चाहिए। यदि आप गेम खेलते हों चाहे एडिटिंग करते हों तो आपके लिए एक अच्छी रैम होना चाहिए, और अच्छी रैम कौन सा होना चाहिए, कम से कम आपको 6 से 8 GB तक के रैम होना ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आप देखते जा रहे हैं कि एक से एक गेम, या चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, उससे भी और बेहतरीन गेम आ रहे हैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए भी एप्लीकेशन भी आ रहे हैं। जिस प्रकार हमारा रैम यदि सही नहीं रहेगा तो हमारा फ़ोन हैंग करने लगेगा, जिस प्रकार हम लोगों को बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए हम लोगों को रैम भी एक अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और उसको ताकि हम लोग चाहे किसी भी प्रकार का गेम आ जाए या वीडियो एडिटिंग का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम लोगों को स्मूथली काम कर सकें, इसे रैम कम से कम 6 से 8 GB तक का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा फीचर होना चाहिए कि डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले भी हमारा ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्ले से हमारा ना ज़्यादा बड़ा ले ना ज़्यादा छोटा ले, डिस्प्ले कम से कम लोग को मीडियम साइज में लेना चाहिए, कम से कम 5.5 इंच का ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग किसी प्रकार से अपने हाथ में इस्तेमाल करते हों या टाइपिंग करते हों या फिर पॉकेट में रखते हों उसको, बहुत सारे बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन साइज़ का मोबाइल लेने पर वो हमारे पॉकेट से बाहर भी आ जाते हैं, और हाथ से बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम लोगों को अच्छा नहीं रहता है। और डिस्प्ले के साथ साथ हम लोगों को देखना चाहिए कि उसका क्वालिटी HD होना चाहिए, ताकि हम लोगों को जब किसी प्रकार का हम लोग वीडियो देखते हों या वीडियो एडिटिंग करते हों या फिर
या फिर गेमिंग वगैरह खेलते हैं, तो यदि उसका डिस्प्ले अच्छा रहे तो हम लोगों को उसको देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग को HD क्वालिटी भी देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है कि हम लोग मोबाइल लेते समय कैमरा क्वालिटी देखना ज़रूरी है। आजकल नए नए मोबाइल में बहुत सारे कैमरा आते हैं, 4 कैमरा 6 कैमरा, लेकिन हम लोगों को और उसमें भी देखा जाता है कि 64 मेगापिक्सल का है, 88 मेगापिक्सल का है, 32 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का, इसमें से बहुत सारे अलग अलग कैमरे में दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को बाद में क्या पता चलता है कि नया नया तो वह बहुत सारे अच्छे कैमरा क्वालिटी लगते हैं, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता है वह कैमरा क्वालिटी धीरे धीरे धुंधला आने लगता है। हम लोगों को कैमरा क्वालिटी भी खास कर ध्यान देना चाहिए, चाहे हम लोग कैमरा का हमेशा कम से कम सेंसर का मेगा सेंसर क्वालिटी का लेना चाहिए, यदि चाहे वो 2 मेगापिक्सल क्यों ना हो, कम से कम हम लोगों को कैमरा सेंसर क्वालिटी का रखना चाहिए, जिससे हम लोगों को चाहे किसी प्रकार का हम लोग जब फ़ोटो लेते हैं तो उसका इमेज एक बेहतरीन तरीक़े से आता है। अच्छी चलते हैं कि हम नेक्स्ट फीचर कौन सा होना चाहिए मोबाइल लेते के लिए, बैटरी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, बैटरी लाइफ बहुत ही मायने रखती है। यदि आप किसी प्रकार से आप चाहे गेम खेल रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या किसी प्रकार से आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हो, यदि उसका बैटरी क्वालिटी अच्छा नहीं रहे तो वो यदि वह बैटरी तुरंत डाउन हो जाती है तो हम लोगों को बाद में उसको परेशानी झेलते हैं और बाद में हम लोग पछताते हैं, इसलिए हम लोगों को बैटरी क्वालिटी कम से कम 5000 mAh का होना चाहिए और साथ में उसका चार्जिंग स्पीड भी देख लेना चाहिए कि कम से कम हमारा चार्जिंग स्पीड भी 18 वोल्ट का होना चाहिए। यदि किसी प्रकार से हम लोग बैटरी लो भी हो जाती है ताकि हम लोगों को कम से कम फास्ट चार्जिंग रहने की वजह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फीचर क्या होना चाहिए मोबाइल लेते समय, उसका स्टोरेज पर भी बेहतरीन ध्यान देना चाहिए। कम से कम इसका स्टोरेज कम 128 GB तक के होना चाहिए। ये वेट, जी हाँ दोस्तों, मोबाइल का वेट कम से कम 200 ग्राम का होना चाहिए। ज़्यादा वजन रहने से हमारे हाथ में भारी वजन ज़्यादा लगता है, पॉकेट में रखने से हमारा पॉकेट फट भी जाता है, इसलिए हम लोगों को वेट पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा वेट रखने से अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने हिसाब से वेट कितने रख सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कम 200 ग्राम का बेहतरीन माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोबाइल लेने से पहले हम लोगों को ये सब ध्यान देना चाहिए। आपके मन में यदि किसी प्रकार से कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपके मन में भी किसी प्रकार से कोई फ्यूचर अच्छी लगे तो आप नीचे भी कमेंट में ज़रूर दें ताकि उससे भी हम लोग नॉलेज मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आप हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।